सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट मामले में एसआईटी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार मानचित्र में बदलाव किया। मानचित्र में पहला बदलाव करते हुए ग्रीन बेल्ट को खत्म करके बिल्डर को निर्माण करने की इजाजत दी गई। दूसरी बार मानचित्र में बदलाव हुआ तो दोनों टावर के बीच में जो निर्धारित दूरी थी उसे कम किया गया। इसके अलावा तीसरे बदलाव में टावर की ऊंचाई में बदलाव किया गया, क्योंकि पहले टावर की ऊंचाई 73 मीटर थी जिसे बढ़ाकर 120 मीटर कर दिया गया। बिल्डर को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए समय समय पर बिल्डर के मानचित्र में बदलाव किया गया और ये बदलाव खुद बयां कर रहा है कि किस तरह से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए समय समय पर उसके प्रोजेक्ट के मानचित्र में बदलाव किया ताकि उसे फायदा मिल सके। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कारगुजारी की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की है, जो नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर 2004 से लेकर 2017 के बीच तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच कर रही है ताकि जांच में जिन अधिकारियों की संलिप्तता सामने आए उसी के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह से नोएडा में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल में सुपरटेक बिल्डर के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के मानचित्र में बदलाव किया गया है उसको देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं। हर सवाल का जवाब अब एसआईटी टीम की जांच के बाद ही मिल पाएगा। शिव त्यागी, टोटल न्यूज, नोएडा।